फिजियोथेरेपिस्ट ये कह रहे हैं कि ये फिजियोथेरेपी कहीं से नहीं है और ये वो मसाज है जो आपको स्पा में मिलती है। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ जेल में ही स्पा खोल के रखा हुआ है, ये स्पा वाली मसाज थी। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म किसे आनी चाहिए? आम आदमी पार्टी को आनी चाहिए, सत्येंद्र जैन को आनी चाहिए, या फिर उस कैमरे को आने चाहिए जिस कैमरे ने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। मनीष सिसोदिया के इस बयान के बाद अब बहुत सारे लोग मजाक में ये कहने लगे हैं कि अब कोई भी व्यक्ति जब थाईलैंड जाएगा स्पा के लिए तो वो यही कहेगा कि वो फिजियोथेरेपी के लिए थाईलैंड जा रहा है। इसलिए थाईलैंड जाने वालों को अब एक बहुत ही सम्मानजनक बहाना मिल गया है। इस मामले में मनीष सिसोदिया पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्योंकि इस समय दिल्ली के जेल मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हीं के पास है। यानी दिल्ली के जेल मंत्रालय मंत्री मनीष सिसोदिया हैं, और जब जेल मंत्री ही आपके पक्ष में इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा हो तो फिर कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर जेल मंत्री खुद आपको इतना आपका बचाव करे तो जेल में तो आपको सारी सुविधाएं मिल ही जाएंगी। ये भी एक बहुत बड़ा इत्तफाक है कि सत्येंद्र जैन जब इस साल गिरफ्तार हुए थे तब उनके पास 7 मंत्रालय थे, और ये सभी मंत्रालय उस समय जब वो गिरफ्तार हुए तो मनीष सिसोदिया को ही सौंप दिए गए थे, और सत्येंद्र जैन खुद भी जेल मंत्री रह चुके हैं। तो पहले वो जेल मंत्री थे, आजकल खुद जेल में बंद हैं, लेकिन जेल जैसा वहां कुछ है नहीं। मनीष सिसोदिया शायद भारत की किसी भी प्रदेश सरकार के इकलौते ऐसे मंत्री होंगे जिनके पास 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 18 मंत्रालयों की जिम्मेदारी है। आप भी हैरान हो जाएंगे, उनके पास 18 मंत्रालय हैं और उन्हें आप दिल्ली का मंत्रालय मैन भी कह सकते हैं। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी काफी आलोचना हो रही है, जो अक्सर दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। गुजरात मॉडल के सामने वो दिल्ली मॉडल लेके आए, लेकिन लोग अब ये कह रहे हैं कि दिल्ली का मॉडल असल में मुफ्त बिजली और पानी के बारे में नहीं बताता, बल्कि ये मॉडल ये भी बताता है कि दिल्ली में मंत्रियों को जेल में मुफ्त में कैसे मसाज मिलती है, कैसे उनके लिए जेल को स्पा में तब्दील कर दिया जाता है। और आज हम आपको अरविंद केजरीवाल का एक पुराना बयान सुनाना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने पंजाब की एक चुनावी रैली के दौरान ये कहा था कि उन्होंने जेलों में चलने वाले उस वीआईपी कल्चर को बंद करवा दिया है, जिसमें बड़े बड़े प्रभावशाली लोग, वीआईपी और नेताओं को तमाम सुविधाएं मिलती थी। लेकिन हकीकत यह है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर उनके दोस्त और उनके सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ जेल के एक सेल को किसी 5-स्टार होटल के शानदार रूम में तब्दील कर दिया है, जहां पर स्पा की तमाम सुविधाएं हैं उनके लिए मौजूद हैं। अब सुनिए अरविंद केजरीवाल पहले क्या कहते थे जेलों में वीआईपी सुविधाओं के बारे में। जेलों के अंदर वीआईपी कल्चर होता था, जेलों के अंदर बैठ के ये गैंगस्टर अपना गैंग चलाया करते थे। हमारी सरकार ने वहां से सारा इनका जो गैंग चलता था वो बंद कर दिया। उसके बाद इन नेताओं ने अपनी जेलों के अंदर अपने लिए वीआईपी रूम बना रखे थे कि कोई नेता जाएगा जेल में जाएगा तो उसके लिए अलग से एक वीआईपी सूट होता था, कोई नेता जाएगा तो वहां पे उसके आ रहा। ये सारे सील कर दिए, कोई नेता हो चाहे कोई कैसा भी हो, जैसे बाकी कैदी रहते हैं वैसे उसको रहना पड़ेगा। इससे अच्छी कॉमेडी कभी आपने कहीं देखी है? हमें यकीन है कि नहीं देखी होगी। अब इस मामले में सत्येंद्र जैन को इसी साल, आपको याद होगा, 30 मई को गिरफ्तार किया गया था, और आज इस बात को 6 महीने बीत चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब तक सत्येंद्र जैन को उनके मंत्री पद से नहीं हटाया है, और यहां जेल में लेटे लेटे भी सत्येंद्र जैन आज भी दिल्ली सरकार के मंत्री हैं। अभी भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता हर बार यही कहते हैं कि सत्येंद्र जैन पर लगाए गए आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं। अब तक ईडी खुद कोर्ट को यह नहीं बता पाया है कि सत्येंद्र जैन ने अपराध क्या किया है। और बड़ी बात यह है कि आजकल चुनाव प्रचार में भी जब अरविंद केजरीवाल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई इंटरव्यू भी देते हैं, तो सबसे यही पूछते हैं कि अच्छा आप बताइए कि सत्येंद्र जैन पर आरोप क्या है। उन पर तो कोई आरोप है ही नहीं, और उन्हें पूरी तरह झूठे आरोपों के अंदर जेल में डाला हुआ है। तो वो बार बार जो पूछ रहे हैं कि सत्येंद्र जैन पर आरोप क्या है, उन्होंने किया क्या है, तो आज हम आपको और पूरे देश को बताएंगे कि सत्येंद्र जैन ने किया क्या है, और जो किया है उन्होंने वही केजरीवाल आपको बताते नहीं।
आज हम केजरीवाल जी को भी बताना चाहते हैं कि सत्येंद्र जैन ने कैसे हवाला के जरिए करोड़ों रुपए की हेरा फेरी की, और हाल ही में 17 नवंबर को, इसी 17 नवंबर को दिल्ली की एक अदालत ने यह कहा कि इस केस से जुड़े जितने भी सबूत अब तक ईडी ने पेश किए हैं उनसे यह साबित होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग में सत्येंद्र जैन पूरी तरह शामिल थे, और इसी वजह से अदालत ने उनकी जमानत की याचिका को खारिज कर दिया। तो आपके लिए जो समझने की बात है वो ये कि सत्येंद्र जैन ने जमानत लेने की कोशिश की, अदालत ने उन्हें जमानत देने से मना कर दिया। मना क्यों किया? सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है काले धन को गैर तरीके से, गैर कानूनी तरीके से सफेद बनाना, यानी वैध बनाना।